फैंटेसी की दुनिया एक ऐसी दुनिया होती है जो हमें पता होता है रियल दुनिया नहीं, फिर भी हम इस दुनिया में जाना चाहते हैं, उस दुनिया को फील करना चाहते हैं। और अगर हमें ऐसी वेब सीरीज मिल जाए जो हमें इस फैंटेसी की दुनिया में ले जाए, इसके करेक्टर, इसकी स्टोरी हमारे माइंड में छप जाए, वो वेब सीरीज हमारी फेवरेट वेब सीरीज बन जाती है। आज के वीडियो में हम आपको टॉप 7 हॉलीवुड हिंदी डब ऐसी वेब सीरीज बताएंगे, आप ना चाहते हुए भी इनकी फैंटेसी के जाल में फंस जाओगे। तो वेब सीरीज के बारे में बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको ये फैंटेसी वेब सीरीज कैसी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए बात करते हैं इन टॉप 7 फैंटेसी वेब सीरीज की। द सनारा क्रॉनिकल्स एक एडवेंचर फैंटेसी साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों हिंदी डब के साथ एमएक्स प्लेयर पर जाके आप फ्री में देख सकते हैं। इस वेब सीरीज की स्टोरी में एक जगह है फोरलैंड, जहां के लोग एक पेड़ को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उस पेड़ के हर पत्ते में एक ईवल है। अगर वो पत्ते झड़ने लगेंगे वो ईवल आजाद हो जाएंगे और सबको मार देंगे। अब एक दिन फोरलैंड की प्रिंसेस से गलती से एक ऐसी चीज हो जाती है जिससे उस पेड़ के पत्ते झड़ने लगते हैं। अब वो सब मिलकर क्या करते हैं, ये इस सीरीज में बड़ी खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। ये फुल ऑफ फैंटेसी एडवेंचर इवल मैजिक से भरी वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के लिए बस मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप एकदम जबरदस्त, आपकी सोच से परे, माइंड ब्लोइंग फैंटेसी वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो आप इस वेब सीरीज को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, आप इससे एक सेकंड के लिए भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। लॉक एंड की एक एडवेंचर फैंटेसी हॉरर वेब सीरीज है जो पूरी तरह मैजिक से भरी हुई है। इसका सेकंड सीजन भी अनाउंस हो चुका है और ये हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। इस वेब सीरीज की स्टोरी में कुछ मैजिकल स्कीज है जिनका यूज करके डिफरेंट डिफरेंट मैजिक किया जाता है, जैसे किसी के दिमाग में घुस जाना, घोस्ट बन जाना, ऐसे बहुत से मैजिक इन कीज का यूज करके इस वेब सीरीज में देखने को मिलेंगे। ये एक ऐसी वेब सीरीज है जिसे देखते हुए आप एक ऐसी फैंटेसी से भरी मैजिकल कीज के मैजिक की दुनिया में चले जाते हो और उससे बाहर ही नहीं आना चाहोगे, जिससे आप इस सीरीज में ना सिर्फ खो जाओगे बल्कि आपका फ्री टाइम बेस्ट इंटरटेनिंग फैंटेसी टाइम बन जाएगा। जस्ट एड मैजिक एक फैंटेसी ड्रामा एडवेंचर सीरीज है। इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और सभी हिंदी डब के साथ अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है। इस वेब सीरीज की स्टोरी में एक मैजिकल बुक है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मैजिकल रेसिपीज है और उसमें डलने वाले इंग्रेडिएंट्स का सीक्रेट्स है। इन रेसिपीज को बनाकर अलग अलग मैजिक किए जाते हैं, जैसे टाइम ट्रेवलिंग, किसी टाउन को फ्रीज कर देना और भी बहुत से मैजिक इन रेसिपीज को बनाकर इस सीरीज में किए जाते हैं। इसमें आपको मैजिकल रेसिपीज और उसके इंग्रेडिएंट्स को खोजने का रहस्य रोमांचक सफर देखने को मिलेगा। इसे आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो और अपने फ्री टाइम को बेस्ट इंटरटेनिंग टाइम बना सकते हो। आई एम नॉट ओके विद दिस ये एक साइंस फिक्शन फैंटेसी वेब सीरीज है जो हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। इस वेब सीरीज की स्टोरी एक सिडनी नाम की टीनेजर लड़की की है जिसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, तभी उसे अचानक मिस्टीरियस सुपर पावर मिलती है। अब वो इन सुपर पावर को कंट्रोल करना और उसे ये सुपर पावर कहां से मिली इसका वो पता लगाती है। ये एक ऐसी फैंटेसी वेब सीरीज है जिसमें आपको एकदम डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलेगी। इसे देखते हुए आप सिडनी की मिस्टीरियस सुपर पावर से भरी जर्नी में खो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप इसकी दुनिया में चले गए और आपका फ्री टाइम बेस्ट एंटरटेनिंग टाइम बन गया। फेथ द विंग सागा एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी सीरीज है जो हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। इस वेब सीरीज की स्टोरी एक ब्लूम नाम की लड़की की है जिसे सडनली ये पता चलता है उसके पास सुपर नेचुरल पावर है और वो फिर इसको कंट्रोल करना और इसे यूज करने के लिए एक मैजिकल स्कूल में जाती है जो दूसरी दुनिया में होता है, और उसे वहाँ पता चलता है उसके जैसी वहाँ बहुत सी फेरीज है। ये एक ऐसी वेब सीरीज है जो आपको हैरी पॉटर मूवी की जादुई दुनिया की याद दिलाती है। अगर आपको हैरी पॉटर मूवी की फैंटेसी मैजिकल जर्नी पसंद है तो ये वेब सीरीज आपके लिए मस्ट वॉचेबल है, आप इससे एक सेकंड के लिए भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। नोस 4A2 एक हॉरर फैंटेसी ड्रामा वेब सीरीज है। इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों हिंदी डब के साथ अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है। इस वेब सीरीज की स्टोरी में एक वैम्पायर बच्चों का किडनैप करता है और उनकी जवानी लेकर खुद जवान होता है और बच्चों को वैम्पायर बनाकर उन्हें एक जगह क्रिसमस लैंड पर छोड़ देता है। अब इन बच्चों को खोजने के लिए 2 लड़कियां मिलकर काम करती है जिनके पास सुपर नेचुरल पावर है। ये एक यूनिक और अट्रैक्टिव स्टोरी वाली फैंटेसी हॉरर वेब सीरीज है। इसे हम जितना देखते जाते हैं उतना इससे इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और एंडिंग तक हम इससे पूरी तरह चिपक जाते हैं। चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना एक फैंटेसी ड्रामा हॉरर वेब सीरीज है। इसके अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं और सभी हिंदी डब के साथ नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। इस वेब सीरीज की स्टोरी में सबरीना एक लड़की है जिसका 16th बर्थडे आने वाला है। अब उसे या तो अपनी फैमिली का विचुअल चूज करना है या उसे अपने दोस्तों का ह्यूमन वर्ल्ड चूज करना है।
इस वेब सीरीज के लिए बस मैं यही कहना चाहूंगा, ये नेटफ्लिक्स की बहुत ही फेमस फैंटेसी वेब सीरीज में से एक है। अगर आपको फैंटेसी वेब सीरीज देखना पसंद नहीं, फिर भी आप इस वेब सीरीज से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे।